मूविंग पुली के अंदर सपोज करो आपके पास ये एक ब्लॉक M1 है और एक M2 है, और ये दो पुलीज फिक्स्ड हैं, अपनी जगह पे घूम रही हैं, रॉड से फिक्स्ड हैं। ये जो पुली है ये भी घूम रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पुली कभी घूमती घूमती नीचे जा रही है या घूमती घूमती ऊपर आ रही है, ये मूव कर पा रही है। ये घूम तो रही है पर अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड होके घूम रही है, ये घूम भी रही है और ऊपर नीचे भी जा रही है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इमेजिन करो इस मास M1, क्वेश्चन तो बाद में आएगा, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं पहले। इस मास M1 को आपने 1 मीटर लूज कर दिया, आपने राइट की तरफ ले आए, तो रस्सी लूज हो गई 1 मीटर, क्या होगा, रस्सी नीचे जाएगी, पुली नीचे चली जाएगी 1 मीटर, रस्सी लूज होगी 1 मीटर, यहां से 3 मीटर लूज कर दी तो 3 मीटर और नीचे चली गई, तो टोटल रस्सी कितनी नीचे लूज कर दी आपने, 4 मीटर। अगर ये सिचुएशन कुछ ऐसी होती कि मान लो ये एक रस्सी है और ये मान लो मास है और मैं अपने हाथ से 4 मीटर लूज कर रहा हूं इसे, तो ये देखो ये मैंने 4 मीटर लूज कर दी, तो ये माइक 4 मीटर नीचे चला गया, बात ही खत्म हो गई, ये 4 मीटर गया। पर अगर मैं ये कहूं कि मैंने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, अब ये 2-2 मीटर हो गया, 4 मीटर का आधा आधा कर दिया ना, डबल फोल्ड हो गया ना, तो लूज करूंगा तो टोटल 4 मीटर, फोल्ड करूंगा तो 2-2 मीटर। अब यहाँ पे फोल्ड ही तो हो रहा है, फोल्ड कैसे हो रहा है, अगर यहां से 4 मीटर गया तो ये पूरा सिस्टम 4 मीटर नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि रस्सी 2 फोल्ड हुई हुई है, तो क्या आएगा, 1 + 3 / 2 यानी कि सिर्फ 2 मीटर, तो पुली नीचे कितना गई, 2 मीटर। क्लियर है यहां तक? सेम कॉन्सेप्ट वेलोसिटी के लिए भी लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो अगर ये मास इधर आ रहा है विद V1 और ये इधर आ रहा है विद V2, तो कितनी वेलोसिटी से नीचे जाएगा, कुछ नहीं करना, V1 + V2/2, जैसे X1 + X2/2 ऐसी V1 + V2/2, और ऐसी एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है। अगर ये ब्लॉक आ रहा है विद A1, ये ब्लॉक आ रहा है विद A2, तो पुली नीचे जाएगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ A1 + A2/2। कुछ नहीं पढ़ना अपने घर जाके, चिंता ना करो, सिर्फ सुनना है। क्या करना है इसको, शॉर्टकट बताता हूं। अगर मान लो स्पेशल केस है, अगर इसकी एक्सेलरेशन ए है और यहां पर ब्लॉक ही नहीं है, इसको छत से रस्सी को बांध दिया, तो यहां तो एक्सेलरेशन मिलेगी नहीं, 0 हो गई, तो अब ये कितनी एक्सेलरेशन नीचे जाएगा, A + 0/2, आंसर इज A/2। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, बस इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, मतलब सीख लिया ठीक है, आपसे कोई लिखवा के देखेगा नहीं। प्रॉब्लम कैसे आएगी, प्रॉब्लम ऐसे आएगी, एक ब्लॉक है, ये एक पुली है, फिक्स्ड है, ये पुली मूवेबल है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकती है, और ये फिक्स्ड है। अब सोचो अगर ये नीचे आ रहा है 20 kg और ये 10 kg ऊपर जा रहा है, तो अगर मान लो ये ए एक्सलेशन के साथ इधर जा रहा है तो ये ए के साथ नीचे आ रही है रस्सी, पर यहां की एक्सलेशन क्या होगी, 0, ये तो फिक्स्ड है, तो पुली नीचे कितनी एक्सलेशन के साथ नीचे आएगी, आंसर क्या होगा, A + 0/2 यानी कि A/2, ऐसे लगेगा ये कॉन्सेप्ट। तो वो तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताने का तरीका है, सीधा न्यूमेरिकल में कैसे लगेगा, ये अगर ए है, ये अगर 0 है, तो इसका एवरेज क्या होगा, A + 0/2 A/2। सेम क्वेश्चन है ये वाला, ये अगर ए है ये 0 है तो A + 0/2। सेम क्वेश्चन है, देखो ये ए है ये 0 है, A + 0/2। ये जो रस्सी है ये स्ट्रिंग है, देख रहे हो ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू रिमेन्स सेम, TNT TNT TNT, और ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या हो जाएगी, डबल, थ्रस्ट 2T, बताया था मैंने क्यों, TNT का वेक्टर सम 2T, तो टेंशन का काम तो क्लियर है, टेंशन TN 2T, एक्सलेशन भी क्लियर है, अगर ये ए तो ये A/2। अब मैंने इसको शॉर्टकट को ऐसे याद किया हुआ, सच बताऊं कि जहां टेंशन डबल होती है वहां एक्सलेशन हाफ होती है, मूविंग पुली में जहां पोर्शन में टेंशन डबल है वहां एक्सलेशन हाफ है। तो देखो इसकी एक्सलेशन ए है और टेंशन टी है, टेंशन डबल कर दी, एक्सलेशन इससे हाफ हो गई। अपना अपना तरीका है, ऐसे ही कर लो, नहीं तो A + 0/2 कर लो तो भी कोई बात नहीं। क्वेश्चन है एक्सलेशन निकाल लो और टेंशन निकाल लो, तो इसकी इक्वेशन ऊपर जाने की क्या बनेगी, टी, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा होगा और टेन जी साइन 30 छोटा होगा, तो क्या बनेगी, टी -10g sin 30 is 10 into a, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है यहां तक? इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 20g - 2t is 20 into a/2। इन दोनों को सॉल्व करके ant निकाल देना आंसर, बाकी न्यूमेरिकल सेम ही है, बस एक्सलेशन का कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर ये रस्सी है ये रही और ये फोर्स ये ब्लॉक है,
और ये भी एक स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक है और इसको 100 फोर्स लगाई, एक्सलेशन टेंशन निकालो, स्ट्रिंग एक है तो टेंशन की वैल्यू सेम है टी एन टी। यहां टेंशन की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, डबल, टी है तो टूटी टूटी, ये भी क्लियर है यहां तक। तो ये फोर्स है 100 न्यूटन। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब हाँ क्योंकि ये अगर देखो अगर मैं इसको यहां खींचूंगा ये तो फिक्स्ड है, तो ये ब्लॉक को यहां आना पड़ेगा विद एन एक्सलेशन ऑफ ए, तो ये ए है और ये टी है, तो ये टी है तो ये टूटी है, जहां टेंशन डबल है वहां एक्सलेशन हाफ है। ऐसे कर लो, ये ए है ये जीरो है, तो ए प्लस जीरो बाय टू ए बाय टू, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 100 माइनस 2t इज 20 into a/2। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टी इज 10 into a। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड टी कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।